corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. संसद में बेशक महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सुरक्षा के लिए बेशक बिल पारित हो गया है, लेकिन कथित संपन्न समाज इस इन महिलाओं के प्रति कितनी गैर संजीदगी से कार्य करता है और इनका शोषण करता है, इसकी ताज़ा मिसाल लुधियाना में देखने को मिली है, जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया और तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस मेरी कुड़ी ने नाल भाई तीन तरीक रेप केस हुआ गैंगरेप अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई और की नाम अपना अस्पताल भी रही हैगी है हूँ भी दाखिल है हूँ मैं छुट्टी की नहीं हैगी उन्होंने तो नाल अजे तक वो मुंडे फड़े नहीं गए हैं मेरे को 22 तरीक रात को फोन आया सी 1:15 बजे मैं देवर का हाँ उन्हें मैंने बाहर बुलाया सी मैं मना कर दिता सी बाहर जाने तो मैं कहा मैं कली नहीं आ सकती जब तक मेरे नाल मम्मी आऊगे या पापा वो कहते नहीं किसी नूं नहीं नाल ले जाना वो मैं धमकी देन लग गए मैं कहा मैं नहीं आ सकती वो कहते तेरे घर वाले ने कोई गल करनी वो बाहर आया मैं कहा साड़ी कोई लड़ाई तो है नहीं उन्होंने अंदर ही भेज दो कहते नहीं हो तू बाहर आ मैं मम्मी तो जो कहा कहते नहीं किसी नूं नहीं ले जाना ये ना हो कि तेरे भरावां नूं असीं ये कर दी वो कर दी धमकी देन लग गए सी मैनू फिर जो मैं बाहर गई तो कल्ला ही खड़ा होया सी मेरा देवर और मैं कहता तेरा घर वाला अगे खड़ा होया जाके मिलया मैं कहा मैं कल्ली नहीं जा सकती वो मैं लेके गया सी उत्थे ना होर मुंडे खड़े हुए सीगे तो उन्होंने मैं मुँह ते कपड़ा रख के तो मैं लै गए पुलिस HSO आए सीगे और PCR वाले आए से इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की HSO ने सारे डंडे मार मार के सारे अंदर करता है भी कोई मोहल्ले के बाहर ना खड़ा हो ते हॉस्पिटल ने तुहाडी जिहड़ी है रेप दी पुष्टि कीती है कि नहीं 23 तरीक नूं आया सी नीतू पेशेंट है कलाज दी हिस्ट्री ऑफ रेप वो पेशेंट नूं असीं एडमिट करके इमीडिएटली उहदी इनफॉर्मेशन पुलिस नूं भेज दित्ती गई सी उस तों बाद 3 दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की 3 दिनों तो बाद 26 तरीक नूं पेशेंट है जिहड़ा साडे कोल लामा हो गया सी डॉक्टर ने भी इसका जो है पुष्टि रेप की पुष्टि नहीं की है उल्टा पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करते हुए लड़की के पिता और उसके आस पड़ोस के लोगों पर सहयोगियों पर ही उल्टा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी मैं मोहल्ले का होने के नाते सामने ऐसी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बताया तो मैं भी मोहल्ले का होने के नाते उनकी हेल्प जो पॉसिबल हो सकी मैंने किया और हॉस्पिटल गया तो उन्होंने एक दिन कहा कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं करती हमने कमिश्नर के यहाँ जाना तो मेरी वाइफ गई वहाँ पर जब गई तो उसके दूसरे दिन ही उन्होंने ये कहा कि जो भी वहाँ पर इनका साथ देंगे उन्हें हम बख्शेंगे नहीं मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी मैं तो इंसाफ चाहिए मैं लड़ूंगी खड़ा हूँ लुधियाना के सलीम टाबरी थाना में ये वही थाना जिसमें गैंगरेप की शिकार लड़की का मामला दर्ज किया गया है वो भी कई दिनों के बाद लेकिन पुलिस ने काफ़ी दिनों के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मंगवाई इसलिए और ना ही थाना मेडिकल की रिपोर्ट इन्होंने हॉस्पिटल में भिजवाई इसलिए लड़की के एग्जामिन भी नहीं हो पाया कि उसके साथ रेप हुआ है और अभी तकरीबन 2 महीने बीतने को हैं लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला और यहाँ के अधिकारियों ने कह दिया है कि वे कैमरे के सामने नहीं आ सकते और वे इंटरव्यू नहीं देना चाहते अब देखना यह है कि लड़की को इंसाफ कब मिलेगा।